वेलकम बैक एवरीवन। तो मैच है यहाँ पे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में। तो अभी मैंने कुछ कार्ड्स को बाई किया, कुछ पैक्स यहाँ पे मैंने बाई किए हैं, तो सब आपको शो करूँगा मेरे पास कौन से प्लेट्स यहाँ पे हैं और ये प्लेट्स को आप किस तरह से D3 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। सीधा सीधा आपको सबसे पहले बताता हूँ, रेडियो जो वेबसाइट है ना, इस यहाँ पर आपको सिर्फ कार्ड्स को बाई करना पड़ता है, ठीक है, आपको प्लेट्स को खरीदना पड़ता है। और फिर जो D3 सेक्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो प्रोफाइल के बगल में, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे D3 का ऑप्शन मिलेगा, ये दिख रहा है, इसके अंदर जाके आप खेलते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। तो सीधा सीधा मतलब है ये पूरा कॉन्टेस्ट वाला एरिया है और जो अपना ये रेडियो है यहाँ पे सिर्फ आपको कार्ड्स खरीदने पड़ते हैं। आप देखो कार्ड खरीदने के लिए आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है, पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। इसके अंदर एडवांटेज क्या है, अगर आप हमारे लिंक से साइनअप करते हो, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो जाके इस तरह से रेडियो D3 साइनअप लिंक, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ, अगर आप इससे साइनअप करते हो तो आपको एडवांटेज क्या है, दो एडवांटेजेस है। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा $20 मिल जाएगा फ्री के अंदर साइनअप के तौर पे, अगर आप इस लिंक से साइनअप करते हो तो $20 मतलब 1600 रुपये आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। आप उसको कोई भी प्लेयर को बाय करते टाइम या पैक खरीदते टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। समझो एक पैक है कितने डॉलर का, $11 का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आपका 50% एप्लीकेबल रहेगा। अगर ये आपका पैक $11 का है और आपको पूरे $11 पे नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका आधा पे करना है और आधा जो पेमेंट रहेगा मतलब $5.50 वो आपका बोनस के तौर पे लग जाएगा, आपको सिर्फ $5.50 पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर आप हमारे लिंक से साइनअप करते हो तो आपको फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत आती है ना, तो आप मेरे को ट्वीट करना, मेरे को ईमेल करना, मैंने सब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देखो आप फॉलो अस ऑन ट्विटर, आप मेरे को मेल करना या फिर ट्वीट इंस्टाग्राम करना, आपकी प्रॉब्लम मैं कुछ मिनटों के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, ठीक है। तो आप साइनअप करिए, फ्री के अंदर आपको यहाँ पे 1600 रुपये मिलेंगे मतलब $20 मिल जाएगा फ्री के अंदर। अब चलते हैं बैक टू द वीडियो। तो मैंडेटरी है, लिंक से साइनअप करें और ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं, मैंने कार्ड्स कैसे खरीदे, अपन ऐसे नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पैक्स के ऑप्शन मिलेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पैक था, इसको मैंने पहले ही खरीद लिया, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, पूरा पैक मैंने खरीदा हुआ यहाँ पे हर पैक को। तब देखो इसके अंदर किस तरह से आपको पैक खरीदना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बाय का, अभी तो आ नहीं रहा, ये रात को 8 बजे पैक दोबारा खुलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा, आपका 50% पेमेंट कटेगा। अगर आप ये $11 का पैक ले रहे हो तो आपको सिर्फ $5.50 पे करना पड़ेगा और $5.50 बोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ये वाला पैक बाई कर रहे हो $60 का, तो इसका आधा कितना होता है $30, पर अपने पास बोनस कितना है $20, तो आप $20 पूरा स्पेंड कर सकते हो इस पैक को बाई करने पे। तो सिंपल चीज़ें हैं सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कार्ड्स, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा होम का, साइड में मार्केट है, ये फिर वॉल्ट है, अपना सबसे मेन चीज़ वॉल्ट है। मैं वॉल्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखो कितने कार्ड्स हैं, टोटल भी मेरे पास 113 कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लेयर्स के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास डेविड विली हैं, टिमाल मिल्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं सारे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, फिर कैमरन ग्रीन है, पैट कमिंस हैं, फिर यहाँ पे देखो टिमाल मिल्स, लियम लिंगस्टन है, सारे प्लेयर्स हैं मेरे पास। तो ये प्लेयर्स की देखो कैटेगरी क्या है, मेरे पास यहाँ पे डेविड विली सिल्वर के अंदर अवेलेबल है और टिमाल मिल्स ब्रॉन्ज के अंदर अवेलेबल है। ये सिल्वर और ब्रॉन्ज क्या होता है ये भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब अपन D3 के अंदर जाएंगे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने तब समझाऊंगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो पैक बाई किया था वहाँ पे दिखाता है, ये टोटल कार्ड्स बताता है, ये मेरे पास कितने पैक्स अभी अवेलेबल वो दिखाता है, 6 पैक्स अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने मैं पैक्स खोलूँगा, मैंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पैक्स को बाई किया था, मैं यहाँ पे ओपन पैक करता हूँ। अब देखो आपके सामने खोलूँगा, खुल जा सिम सिम, आप देखना यहाँ पे जादू का चिराग यहाँ पे रगड़ा जा रहा है और ये खुल रहा है धीरे धीरे। इसको मैं रिवील विल करता हूँ, ये देखो मेरे पास सेंडिस क्लासेन है सिल्वर के अंदर और मेरे को मिले यहाँ पे अर्शदीप सिंह, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अर्शदीप सिंह मेरे को यहाँ पे मिले। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा पैक्स के अंदर, फिर से मैं एक और पैक ओपन करूँगा आपके सामने, इसमें देखते हैं मेरे को कौन मिलता है। खुल जा सिम सिम, जादू का चिराग यहाँ पे रगड़ा जा रहा है, ये खुल गया मेरे सामने फिर से। अब इसको अपन रिवील करते हैं, दिनेश कार्तिक मेरे को सिल्वर में मिले और शमशी मेरे को ब्रॉन्ज के अंदर मिला। मैं फिर से इन व्यू आउट करता हूँ, व्यू इन वॉल्ट इस पर जाता हूँ, फिर से अपने को ऑप्शन मिलेगा पैक्स का, मैं पैक्स पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं ओपन पैक करता हूँ आपके सामने, सारे पैक्स को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। ये वैसे मैंने कल ही खरीद लिया था 28 तारीख को ही मेरा, आज 29 है, तो आप समझ रहे हो मैंने पैक पहले बाई कर लिया था, मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने पैक को खोला नहीं। मेरे को केशव महाराजा मिले, दिनेश कार्तिक फिर से मिले। अगर आपको प्लेयर दो दो बार रिपीट हो रहा है ना, उसको आप सेल कर दो मार्केट प्लेस के अंदर। सेल कैसे करते हैं, यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ, ये प्लेयर की पूरी जानकारी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्यू इन वर्ल्ड जाते हैं, प्लेयर को बेचना कैसे है, यहाँ पे गया, मेरे को दिनेश कार्तिक दो बार मिल गया सिल्वर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिनेश कार्तिक पे, इसको मैं सेल के ऊपर जाता हूँ, सेल ऑन मार्केट प्लेस यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो इसका मिनिमम रेट क्या है,
डॉलर के अंदर ये बिक सकता है मिनिमम, और हाईएस्ट इसके रेट 78 है। मैं इसको बेचना चाहूँगा $10 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं कब तक ये बिकता है। लिस्ट योर कार्ड, इसको मैंने लिस्ट कर दिया है, और ये देखो थोड़ी देर के अंदर आपको लिखा जाएगा योर प्लेयर इज लिस्टेड ऑन मार्केट। अब इसको कोई भी खरीद सकता है मार्केट प्लेस में जाके। ये आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली योर कार्ड इज इन रॉरियो प्लेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिक चुका है। अब एक और पैक ओपन करते हैं, मेरे पास 3 पैक बचे हुए हैं। अपन गए यहाँ पे और ये फिर से गोला फिर रहा है। खुल जा सिमसिंग जादू का चिराग, यहाँ पे खुल चुका है। रिबिल अल करेंगे अपन यहाँ पे। मेरे को डेविड मिलर बॉन्स के अंदर मिले हैं और अक्षर पटेल मिला है यहाँ पे, ठीक है। एक और पैक ओपन करते हैं, अपने पास 2 पैक बचे हुए हैं, इसको अपन ओपन करते हैं। ये फिर से रगड़ा जा रहा है, खुलेगा धीरे से ये, और ये खुल चुका है भाई साहब। यहाँ पर रिवील करेंगे। इसके अंदर मेरे को टिस्टन सब्स ब्रॉन्स के अंदर मिले हैं, अरजीत सिंह मिले हैं, बार बार अरजीत सिंह मुझे मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बेच सकते हैं मार्केट प्लेस में जाके। अब ये देखो फिर से खुलेगा, ये 320 वाला है पैक, यहाँ पे लिखा आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो रिवील लव करते हैं, भुवी मिले हैं मेरे को और टिस्टन सब्स मिले हैं। मेरे को स्टब्स 2 बार मिल गए तो मैं एक को बेच दूंगा, सीधी बात है। बेचते कैसे मैंने भी आपको बताया था, जो मार्केट प्लेस के अंदर जाके बिक जाता है। यहाँ पे ये बहुत सारे जो प्लेयर्स इसके अंदर खेल रहे हैं ना, सबने बेचा हुआ है। किसी ने भुवी को $8 में बेचा हुआ है, किसी ने अर्जदीप सिंह को यहाँ पे देखो $2 में बेचा हुआ ब्रॉन्स के अंदर, अक्षर पटेल को $2 में बेचा हुआ है। तो अभी प्लेयर्स बिक जाते हैं सिंपली तरीके से, ठीक है। चलते हैं किसकी तरफ, अपन चलते हैं D3 की तरफ। कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करना, ये D3 दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है रेरियो सिर्फ आपको कार्ड्स बाई करने के लिए, ये कार्ड्स फिर आप यहाँ पे D3 में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस्तेमाल कैसे करना है, मैं D3 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपन ने क्लिक कर दिया सिंपल तरीके से। फिर यहाँ पे देखो आप मैच है इंडिया वर्सेस, आपको दिखाता हूँ मैं जस्ट मिनट। ये देखो आप जैसे अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आएगा More 3 matches, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैच शो करेगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, 1 day left। और इसमें देखो कितने का भाई साहब रिवॉर्ड पूल है, $1,25,000 का भाई, डॉलर है। इसको आप कन्वर्ट करते हो आपको पता कितना होगा, ये मतलब है टोटल 1 करोड़ का फ्री कॉन्टेस्ट है, समझ रहे हो। आमतौर पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर से अपन चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, D3 की तरफ। यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं इस कॉन्टेस्ट के ऊपर। आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे 3 कॉन्टेस्ट होते हैं, पहला है स्टार्टर, फिर एक्सपर्ट, फिर इलाइट। इनमें फ़र्क क्या पड़ता है, मैंने आपको क्या कहा था, कार्ड्स होते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड होता है, गोल्ड कार्ड होता है, सिल्वर कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड होता है, और जितना महंगा कार्ड होता है ना उसका फिर इलाइट के अंदर जाता रहता है, एक्सपर्ट में जाता रहता है। सबसे स्टार्टर स्टार्टर होता है, स्टार्टिंग वाला। इसमें आपको सिर्फ 3 ब्रॉन्ज चाहिए, तो अपन जाते हैं एंटर फॉर फ्री। अब यहाँ पे ये आपको नीचे बता भी देगा अपने पास कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे। अपन बैक करते हैं, मेरे पास टोटल 42 कार्ड्स अवेलेबल है इस मैच के अंदर, 42 कार्ड्स का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको क्या रहता है, ड्रीम इलेवन के अंदर आपको 11 प्लेयर चूज़ करने पड़ते हैं, पर D3 के अंदर 3 प्लेयर चूज़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे फ़र्क क्या क्या है, इसमें ड्रीम इलेवन के ऊपर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ आपको कैप्टन चूज़ करना पड़ता है। एडवांटेज ये भी है, और इसके अंदर ड्रीम इलेवन में 7-4 को कॉम्बो बनता है। एक देश के आप सिर्फ 7 प्लेयर ले सकते हो मैक्सिमम, यहाँ पे एक देश के आप 2 प्लेयर मैक्सिमम ले सकते हो। अपन लेते हैं यहाँ पे किसको, सबसे पहले अर्जदीप सिंह को लेते हैं, ठीक है। मेरे पास अर्जदीप सिंह 3-4 बार आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अपन लेंगे किसको, ब्रॉन्ज के अंदर मेरे पास कौन कौन है, दीपक हुड्डा है, क्लासेन है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो केशव महाराजा, एंगडी भी है मेरे पास, मार्को अनसेन है 2 बार मेरे पास, मौने मोकल है यहाँ पे। अब आपको क्या, मौने मोकल कहाँ से आ गए, मौने मोकल क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, ये देख रहा है आपको ये वाली लिस्ट, इसके अंदर प्लेयर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं मौने मोकल कहाँ, ये लिस्ट है, मैं लिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगा चाहिए तो। ये OG प्लेयर्स हैं, OG प्लेयर्स मतलब क्या होता है भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। मौने मोकल देखो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका टीम में ये बॉलर नंबर 2 है, जो इस मैच के अंदर 2रा ओवर डालेगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो गेंदबाज मौने मोकल होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं रैले रशो को, ये टीम बन गई मेरी। यहाँ पे मैं कैप्टन चूज़ कर लेता हूँ किसको, अर्जदीप सिंह को, ज्वाइन ए कॉन्टेस्ट, मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर चुका हूँ, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो गया। इसमें टोटल रिवार्ड पूल कितना है, $78,000 का। अब इसमें ब्रेकअप कैसे है, जो पहला रैंक पे आएगा उसको यहाँ पे $12,500 मिलेगा पहले रैंक पे, मतलब 10 लाख के करीब। दूसरे रैंक पे $6,000, तीसरे पे $3,000, $1,500, चौथे पाँचवें छठवें सातवें और आठवें को मिलेगा $600। इस तरह से पूरा ब्रेकअप है, ठीक है, ये एडवांटेज है। अब चलते हैं अपन दूसरे कॉन्टेस्ट की तरफ। ये देखो आप, ये हो गया स्टार्टर। अब अपन चलेंगे एक्सपर्ट की तरफ। एक्सपर्ट में क्या है, ये देखो इसमें कंडीशन क्या है, आपको 2 सिल्वर चाहिए,
सिल्वर के लिए आपको महंगा पैक बाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको और लेना गोल्ड तो उसके लिए और महंगा पैक बाई करना पड़ेगा, फिर आपको अगर और महंगा लेना है इलाइट के अंदर जाना है तो आपको ब्लैक कार्ड लेना पड़ेगा। मतलब यह कार्ड का खेल है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का। इसके अंदर क्या कंडीशन है, एक्सपर्ट के अंदर अपने पास दो सिल्वर होने चाहिए। मेरे पास है सिल्वर तो देखो कौन कौन सा है, दिनेश कार्तिक मेरे पास 3 सिल्वर है, क्लासियन 2 सिल्वर है, रिजा एंड्रिक्स ऋषभ पंत टेम्पा बोमा मेरे पास सिल्वर है, परनेल सिल्वर है, तो सिल्वर की लिस्ट खत्म हो गई। 2 सिल्वर चाहिए, मैं टेम्पा बोमा को लेता हूँ, परनेल को लेता हूँ। अब यहाँ से अपन कोई भी ब्रॉन्ज ले सकते हैं। ब्रॉन्ज मेरे पास कौन है, मेरे पास है यहाँ पे ब्रॉन्ज के अंदर भूमवे, ये होगी मेरी यहाँ पे एक पूरी टीम, ठीक है। तो ये एंगड़ी ले लेते हैं यहाँ पर, एंगड़ी की शायद जगह ना मैंने 11 के अंदर, तो भूमवे को ले रहे हैं अपन। तो देखो कैप्टन कौन है यहाँ पे, मैं कैप्टन कर देता हूँ यहाँ पे भूमवे को, ये हो गया कॉन्टेस्ट ज्वाइन। सिंपल चीज़ है, कुछ लेना देना नहीं है, रिवॉर्ड्स आपको पूरे मिलेंगे। अब एक और कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिनिमम 2 गोल्ड चाहिए। मेरे पास गोल्ड शायद एक भी नहीं है जितना मुझे लग रहा है, मेरे पास परनेल 2 गोल्ड है, पर इसमें कंडीशन क्या है, आपको 2 गोल्ड चाहिए। मेरे पास 2 गोल्ड है लेकिन एक ही सेम प्लेयर के गोल्ड है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और गोल्ड जाके बाई करना पड़ेगा, एक और पैक जाके बाई करना पड़ेगा, तब मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, वरना मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कंडीशन देखो, मिनिमम 2 गोल्ड है, मेरे पास 2 गोल्ड है लेकिन दोनों एक ही प्लेयर है, परनेल। जाओ मार्केट प्लेस में भेज दो एक प्लेयर को, $15-20 के अंदर आपको एडवांटेज मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, एडवांटेज यही है। अब देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं इसकी तरफ, इसमें जाऊँगा परनेल की तरफ, मेरे पास परनेल होगा मेरे कार्ड्स के अंदर। मैं अपने कार्ड सेक्शन में जाता हूँ यहाँ पे वॉल्ट के अंदर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अपने परनेल साहब है यहाँ पे देखो, परचेस्ड कार्ड के अंदर मैं जाऊँगा, सर्च करता हूँ मैं परनेल सीधा, यहाँ पे सर्च वैन परनेल आएगा, देखो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा वैन परनेल। मैं गोल्ड वाले पैक के पास जाऊँगा, वैन सर्च करता हूँ यहाँ पे मैं, ये देखो गोल्ड वाला आ गया, इसको मैं बेचना चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसको मैं जाऊँगा सैलॉन मार्केट, इसकी मिनिमम रेट क्या है, $44 इसकी मिनिमम रेट है और ये मैक्सिमम $199 में बिक सकता है। इसको मैं $50 में बेच देता हूँ, ठीक है, $50 के अंदर इसको मैं बेच देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये बेच दिया मैंने $50 के अंदर, ठीक है। तो सर आप जाके प्लेयर को लिस्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको फिर $50 आपके वॉलेट में मिल जाएगा अगर उसको कोई खरीदता है तो। साइन अप करें, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर D3 का, इससे साइनअप करना है। खास साइनअप लिंक है, रीज़न क्या है, यहाँ पर आपको $20 बोनस मिलेगा, प्लस फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है आपका भाई सॉल्व करवाएगा। ये चैनल है ना जो सिर्फ आपकी वजह से बनी है, तो बेटर है आप आइए यहाँ पे खेल के देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये लिस्ट और सुविधा मेरा कार्ड, तो साइनअप कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, सी सून, लव यू गाइस, प्यार बनाए रखना।